Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
जी का पाठ 17वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कांक्षेर्यज्ञो यदि दृष्टो यीज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक अभिसन्धाय तु बलं दम्भासमपि चैव यः विद्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं वेद्धिराजसं विधि नमश्रेष्ठानं मां दहि नमदक्षिणां श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञो पूजनं सौ समार्जवान्
ब्रह्मचर्यमहूर्तात् शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशोधिरित्येत तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन सैवय क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं बीजतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं बीजतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा
दिनांक 10 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए राम वर्मा मित्र आई कि मनुष्य जो परिस्थिति प्राप्त है परिस्थिति सुखदायी अथवा दुखदायी अथवा मिश्रित अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम कर्मों के फल रूप से ये तीन परिस्थितियां आती है अनिष्ट इष्ट और मिश्रित तो जो परिस्थिति है उसी का सदुपयोग करने से कल्याण हो जाता है। इसमें ये बात कही थी गीता के लिखवाते समय ये बात ये हमें विशेषता समझ में आई कि पारमार्थिक उन्नति के लिए नया काम करने से उतरे जो कर रहे हैं उसी से ही कल्याण हो जाएगा। ये नई बात ख्याल में आई है तो उसी की ये व्याख्या है कि जो प्राप्त है परिस्थिति यही परिस्थिति वो किसी न किसी परिस्थिति में है हम लोग अपने सामने कोई न कोई परिस्थिति है चाहे सुखदायी परिस्थिति है चाहे दुखदायी परिस्थिति है चाहे मिश्रित है उसी का इस उपयोग करने से हम परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। ये बात है तो सुखदायी परिस्थिति है बहुत सी उसमें तो उपकार करना चाहिए दोनों के हित करना चाहिए औरों के सुख के लिए विचरण करना चाहिए और दुखदायी परिस्थिति हो तो इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। इच्छा रहने से दुखदायी परिस्थिति होती है क्या करें हमारे पास धन नहीं है धन नहीं धन की इच्छा ही नहीं है हमारे पास संपत्ति नहीं तो संपत्ति की इच्छा ही नहीं रखना हम कहते भी हम तो विद्वान नहीं है पढ़े लिखे नहीं तो नहीं सही धंधा नहीं है तो नहीं सही कुटुम्ब नहीं है कोई जरूरत नहीं वो मन से त्याग कर दे उसका मन से पकड़ने से जो दुख होता है भाव में पकड़ नहीं सीखा है दुख है कोई दुख नहीं तो सदुपयोग करिएगा दोनों का ही ऐसे जिस अंश में हमारे पास कुछ परिस्थिति अनुकूल है उसमें हम उपकार करें और जो जिस अंश में प्रतिकूल है उसमें हम त्याग करें और ये इच्छा का त्याग कर दे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान तत्व ज्ञान मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पूछा है कि आपने पैसे के लिए कल कहा कहते हैं पैसे की जीवन में आवश्यकता तो होती है और आप कहते हैं पैसा परमात्मा को पूरी प्राप्ति में बाधक है क्या पैसों को ना पैसा बाधक नहीं है पैसों की इच्छा बाधक पैसा बाधक नहीं वस्तु कोई बाधक साधक होती ही नहीं पैसा मिले यही इच्छा परमात्मा प्राप्ति में बाधक है पैसा बाधक नहीं है। आपने कहा पैसे को महत्व नहीं देना चाहिए महत्व इतना नहीं देना चाहिए जिससे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करे और परमात्मा को भूल जाए इतना महत्व नहीं देना चाहिए। अपनी जगह तो मैंने कहा वो बहुत काम करी है अपनी जगह तो महत्व है उसका ऐसा हाथ घर ठेक भगवान तक भगवान को भुला दे सदगुरु सदाचार देवी संपत्ति को भुला दे आज भी संपत्ति नरकों का रास्ता पकड़ ले इतना महत्व नहीं देना चाहिए धन को इतना महत्व नहीं देना जिससे नरक जावे
काम और क्रोध तीन दरवाजा बताया, काम और क्रोध और लोभ। काम तो सुख भोग और लोभ जो धन की बढ़ने की इच्छा, क्रोध जो दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा। ये धन के कारण पैदा होते हैं, ये नरकों का दरवाजा है। तो ऐसा लोभ में नहीं फंसना चाहिए, ऐसे क्रोध में काम में नहीं फंसना चाहिए जिससे कि नरक हो जाए। और पैसे की आवश्यकता तो मैं तो कहता भी हूँ भाई, पैसे की जगह पैसा बहुत काम की चीज है। मैंने उदाहरण दिया कि दूती शरीर के संपूर्ण को उठाए फिरती है, और कंकर है, पत्थर है, कांच का टुकड़ा है, कांटा है, कर्चा आदि की रक्षा करने वास्ते बहुत ही काम की चीज है। परंतु दूती को सिर पर रखने का काम नहीं है, अपनी जगह काम की चीज है। ऐसे धन अपनी जगह बहुत काम की चीज है। मैं कहता नहीं हूँ किसी को भी धन छोड़ दो, धन त्याग कर दो, नहीं के काम को नहीं। बहुत काम की चीज है, इसी में उसका एक कुछ महत्व का भास हो रहा है। अब बहुत काम की चीज किस अंश में है महत्व का भास होता है, ये बात ठीक है। परंतु जिस अंश में उसकी बहुत आवश्यकता है उस अंश में होना चाहिए। भगवान के आश्रम को भी ले ले, नरकों में भी ले जाए, इतनी जरूरत नहीं है, इतना महत्व नहीं देना चाहिए। धन को इतना महत्व दे दिया कि जिनमें नरकों की परवारी, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात चोरी डकैती हत्या तक कर दे धन के लिए, ऐसे धन के लिए क्या हो सकता है, वो धन क्या काम का। अन्य ने कहा आंख नहीं फूटे बहुत करूं कहा लो, गोस्वामी महाराज ने लिखा है वो अंजन क्या काम का जिसे आंख फूट जाए। आंख को ठीक करे उतना अंजन अच्छा है, आंख फूट जाए वो क्या काम की, वो अंजन कोई काम का है। तो इतना महत्व नहीं बढ़ना चाहिए, इतना महत्व नहीं देना चाहिए जिसके नरक कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, फजीती कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, भाई भाई लड़ पड़े आपस में। हम साधु हैं, अब वो पैसा पैसा मांगने के लग जाए और किसी उत्तंग करे पैसा लाओ, ये दो ये दो ये दो, ये क्या है, ज्यादा लोभ होने से होता है। निर्वाह मात्र चीज तो मिलती ही है, तो धन का इतना महत्व मन में नहीं रखना चाहिए जिससे कि भाई बिल्कुल फंसी थी, लोक में फंसी थी, परलोक में फंसी थी, दुर्गति भगवान के विमुख हो जाना, ऐसा महत्व नहीं मिल सकते। और पूछो इस तरह से, और अपनी जगह तो काम की है ही, तो चांद तक पहुंचना है तो उसके लिए काम ले लो, मना तो नहीं करता हूँ मैं। और चांद तक पहुंचे नहीं है, चंद्र मंडल है छोटा सा, इस तक पहुंचे है, चंद्र लोग नहीं पहुंचे, चंद्र लोग तो बहुत दूर है, सूर्य से ऊंचा है। वो पांच जाओ दिन पहुंचे उद्योग करो, इसलिए मैं मना करता ही नहीं हूँ। कला कौशल का मना नहीं करता हूँ, धन का मना नहीं करता हूँ, धन के बस में होकर इतना उसको महत्व दे दिया कि जिसमें धर्म कर्म आपके छूट जाए, आप नरकों में रस्ते चले जाओ, आप भगवान को भूल जाओ, अपने कल्याण को आप भूल जाओ, अपना बड़ा भारी पसंद कर दो, इतना महत्व क्यों देते हो, ये मतलब है। धन का उपयोग करो, साधन है, धन साध्य नहीं है, धन साधन है, साधन एक साधन होता है, एक साध्य होता है। तो धन को साध्य मान लेना है, ये अधिक महत्व देना है। साध्य ही मान लिया उम्र भर का साध्य, धन ही कमाना, धन ही इकट्ठा करना है, यही साध्य है,
न भजन ध्यान है, न सत्संग है, न स्वाध्याय है, न आत्म विचार है, न परमात्मा तत्व का विचार है, न सत्संग है, केवल धन कमाना है, धन इकट्ठा करना। तो साध्य मान लिया, अपने साध्य नहीं है, धन धन साधन है। साधन की जगह काम की चीज अपने जगह रोटी कपड़ा आदि जिससे निर्वाह हो जाए वो देखो काम मिल, और वो हो जाएगा, वो तो आपसा हो जाएगा। पर आपने पहले रचा पीछे रचा शरीर, पहले प्राप्त रचना हुई पीछे शरीर रचा, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, चिंता क्यों करे धन के लिए। धन के लिए आदमी कितने कष्ट सहता है, कितना अपमान सहता है, कितनी निंदा सहता है, कितना लोग बिगाड़ देता है, कितना कुटुंबियों के साथ द्वेष कर देता है, कितना अच्छे अच्छे आदमी को तिरस्कार करता है, कितनी आपस में कलह कर लेता है। ये धन का अधिक महत्व होने से ये अनादर होता है। इतना महत्व मत दो, है जितना महत्व दो पूरा, उसको मना कौन करता है। अपनी अपनी जगह सब अच्छी चीज है। दोपहर में थोड़ा सा किया था, ये कह रहे रुपए को तो निकृष्ट बताया था, साथ में मैं को भी निकृष्ट बताया था। हाँ, मैं पर अभिमान है, संपूर्ण आशीष संपत्ति का आधार अहंकार अभिमान है। मैं हूँ ऐसा बड़ा अच्छा हूँ, ये अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। खास बुराई बुराई पैदा होगी, अच्छाई खराब नहीं है, अच्छाई का अभिमान खराब है। अच्छाई का अभिमान संपूर्ण बुराइयों का जड़ है। कोई ऐसी बुराई नहीं जो अच्छाई के अभिमान से पैदा न होती हो। जैसे धन की निंदा नहीं है, धन के लोभ की निंदा है, ऐसे अभिमान की मैंपन की निंदा नहीं है, मैंपन के अभिमान की निंदा है। अपने को बड़ा समझना, अपने को अधिक समझना, श्रेष्ठ समझना, ये पतन करने वाली चीज है। अपने को श्रेष्ठ मानने के बाद में उसकी श्रेष्ठता बढ़नी बंद हो जाएगी। आदमी जो बढ़ता है ना, मनुष्य जीवन विद्यार्थी जीवन है, ये भोगी जीवन नहीं है। विद्या अध्ययन करता है, ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी है, परमात्म तत्व की प्राप्ति का विद्यार्थी है मनुष्य। अरे भोगी राजगी रागी हो जाएगा ऐसा, तो विद्यार्थी कैसा रहेगा, और भोग में लग जाएगा। तो भोग में लग जाना है ये अहंकार भी खराब है, भोग में लग जाना ये धन भी खराब है, दुरुपयोग खराब है। कोई किसी अवस्था में हो दुरुपयोग खराब, सदुपयोग श्रेष्ठ। सब वस्तु परिस्थिति आदि का सदुपयोग करो, कल्याण करेगा, उद्धार करेगा। धन से होने वाले परिणाम को लेकर के आप पर उड़ते हैं, तो मतलब धन से होने वाले परिणाम तो अच्छे है, परंतु धन के लोभ से होने वाले परिणाम क्या है वो समझो आप। धन क्या क्या काम आता है इसकी मैंने करी नहीं, कभी करते ही नहीं हूँ। मैं धन की बात किया तो बात क्या है, बात एक बहुत तरह की है। धन का एक भीतर महत्व है, उसकी निंदा सही नहीं जाती, इस वास्ते धन के उपयोग की बात कह करके उसको टालना चाहते है। बेमर से यहाँ वो कैसे दूर होगी, बीमारी दूसरी है। ये बीमारी, ये तो प्रश्न तब हो, मैं कह दू धन मत रखो, धन के पास मत रखो, धन का त्याग कर दो, ऐसा कहूँ तो महाराज भक्त पर सरस्वती का ब्याह कैसे करेंगे,
बड़े बूढ़ों की सेवा कैसे करेंगे, शरीर का निर्वाह कैसे होगा, ये तब बात होगी। मैं धन का निषेध करता हूँ, मतलब को मैं कहता हूँ लोभ की खराब चीज है। जब बस लोभ खराब चीज है तो भूल जाएंगे और धन का महत्व बताएंगे, धन का उपयोग बताएंगे। वो तो धन बिना कैसे काम चलेगा। मैं धन का अभाव कहता ही नहीं हूँ, पर वो बात ऐसी है महाराज जो सही नहीं जाती। तो सही नहीं जाती तो उस तत्व को समझेगा नहीं, क्या बात चलती है क्या नहीं, इस बात को नहीं समझ सकता हूँ। कैसे समझ सकते हो, तो महत्व में बैठा डूबा हुआ है ना, उसके महत्व में डूब गया है। इतना डूबना नहीं चाहिए, उसको जगह रखो अपना ठीक तरह से। कोई अफसर है उसके नीचे काम करने वाले लोग काम नहीं करते हैं, उसके मन में एक काम होना चाहिए। अफसर के मन में तो है काम होना चाहिए, कर्मचारी काम करते नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या वो अफसर ये इच्छा छोड़ दे क्या काम नहीं होना चाहिए? मैं क्यों छोड़ दे सर, अपनी ड्यूटी है नहीं, आज ड्यूटी पे जानी है, धन की इच्छा थोड़ी हुई है। आपने कहा प्रतिकूलता में इच्छा का त्याग कर दो, प्रतिकूलता तो आ गई, लोगों ने विरोध, प्रतिकूलता का इच्छा का त्याग कर दो। मैं प्रतिकूलता निवारण करने से थोड़ी गए, मैं प्रतिकूलता निवारण कैसे हो वो उपाय करो, मैं अनुकूल हो जाए ये आधी बात थोड़ी है। किस तरह से भी काम कर सके ऐसा कभी युति सोचो, युति अपनी बजानी है वो चीज और है, वो तो विभाग ही अलग है। अपने जिस पर नियुक्त है वो नियुक्ति कर दी है, उस काम को ठीक सुचारू रूप से करना है, उनको तो दंड भी देना पड़े तो देना ही पड़े, चाहिए नहीं चाहिए, शासन के बिना काम कैसे होगा। आज शासन बिगड़ रहा है, शासन बिगड़ने से बहुत खराब होती है, पक्षपात लेकर के शासन बहुत खराब हो रहा है। दुनिया में बड़ी भारी आफत आ रही है। अब मैं शिक्षा ये दी जाती है काम कम करो और पैसा खर्च करो ज्यादा, महान अनर्थ है इससे। काम कम करो और काम करो तो दंड हो जाए, रात्रि को काम क्यों करते हो और छुट्टी का समय काम करते हो, इसे घंटा से अधिक काम क्यों करते हो, इतने में इतना कुर्ता क्यों पहनते हो, इतना भोजन क्यों करते हो, भोजन में इतना खर्च क्यों करते हो, ये नहीं करते, काम क्यों करते हो। काम तो पैदा होने की चीज है, पैसा पैदा करने की चीज है, वो तो करना चाहिए ज्यादा, शिक्षा हो रही है नहीं वो कम मत करो। जो कर्जा हो ही गया बड़ा भारी हिंदुस्तान पर, और इस साल से कर्जा बहुत बढ़ेगा, हिंदुस्तान बिक्री हो जाएगा तो भी पूरा कर्जा नहीं होगा। तो जैसे मैं आक्षेप नहीं करता हूँ, कोई आक्षेप हो जाए तो आप क्षमा कर देना, जैसे अफसर कहता है कि नौकर काम ठीक नहीं करते, तो अफसर ठीक करते हैं क्या, ये सोचे आप ठीक करते हैं काम, तो कैसे कह सकते वो नहीं करते वो नहीं करते। श्रेष्ठ कर्मणी अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा प्राप्त कर देता है। जो अपनी ड्यूटी है उसी पर ठीक तरह बजाओ, जिस पर हो और वो अच्छा अपना काम ठीक करोगे तो दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अभी गया गुजरा जमाना है, इतना ख्याल नहीं होता, तो भी जो अपने नेक नीत से ठीक चलता है उसका असर होता है, असर होगा। अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाने से दूसरे भी ठीक नहीं बजाते हैं, ये दशा होती है। तो अपने देखना चाहिए अपनी कमी, कमी देख कमी को दूर करना, कमी को सोचना नहीं कि कमी दूर कैसे हो, वो अपनी अपनी कमी जहाँ जहाँ अपनी अपनी कमी है उसको दूर करो,
ठीक हो जाएगा, सब संसार के अंदर धर्म ठीक हो जाएगा। शासन करने का मैं निषेध नहीं करता हूँ, शासन पक्षपात मात्र को शासन में इनको सुते विवाह शास्त्र में कहता है, चाहे बैरी हो चाहे बेटा भी हो, मन कसूर अनुसार बेटे को भी वैसा की वैसा, और बैरी को उतना ही ज्यादा नहीं, कब बखमा आ गया इसको ज्यादा करना है ऐसा नहीं। बहुत ही खराब हो रही है इससे, भारत बहुत खराब हो रही है पक्षपात। बड़ा भारी क्षोभ हो रहा है दुनिया के अंदर, क्षोभ का नतीजा बहुत खराब होगा। इस वास्ते शासन करो ठीक तरह से, कथा आती है शंख हो रहे लिखित की, शंख स्मृति है, बड़े स्मृतिकार बड़े पंडित हुए शास्त्री ऐसे महात्मा हुए, उसने राजा वो देरी लगी राजकुमार के आने में, युद्ध में हाजिर होना था, हाजिर होने थोड़ी देरी लगी, अपनी स्त्री से बात करने लग गया। आगे वो राजा ने पूछा क्या करना चाहिए, कहते पूछता है वो रवाने होने देगी सब। राजा के जो गुरु थे शंख और लिखित ऋषि, वो पूछने रवाना हो जाते हैं, क्यों पूछने क्या हो, जब जो देरी करी उस दंड जो होना चाहिए दंड देना चाहिए, पूछते हो हमारे अन्याय कराना चाहते हो, बेटा है हमारे देश को ये कभी नहीं होगा, क्या करना चाहिए, वो कहते हैं देरी करते ऊपर से कुमार करा हो ना तेल उबलता हुआ उसमें डाल देना चाहिए, पूछते क्या सर, फिर बात सलाह क्या लेते हैं मेरे से, डाल दिया उसमें, ये भी बेटा है ये नहीं हो सकता, इसीलिए तुम हमारे पक्षपात करना चाहते हो, हम नहीं देते तुम्हारे जाओ करो, नहीं महाराज मैं आपका बचन आपकी सम्मति रहना चाहता, मैं नहीं अन्याय नहीं करना चाहता हूँ, वो कोई हो चाहे न्याय ठीक तरह से करे। आज क्या हो रहा है आपसे सोचो, नौकर काम नहीं करता उसको निकलना चाहिए, नहीं ये बात है ही नहीं, मूड में ही नहीं थी, ठीक काम करो सुचारू रूप से, आप भी खुद काम करो दूसरे को भी कराओ कहो, देखो सबसे पहले अपना गुरु और अपना नेता अपना शिक्षक अपना राष्ट्र अपना आप बनाओ, गुरु भी आप अपना बनो, नेता भी अपना आप बनो, और राजा भी अपना आप बनो, शासक भी आप बनो, राष्ट्र भी आप बनो, स्वयं अपने पर शासन करो, वैसा ही गलती हो जाए तो वही दंड दो अपने को भी, तो काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। निहाल हो जाए वो निहाल ऐसी बात ठीक नीचे, नारायण 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 नारायण।